दिस इज आवर लेक्चर फर्स्ट क्लास 12th मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर नंबर 6 है हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। चैप्टर क्या हुआ हमारा 6 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। फर्स्टली हम स्टडी करेंगे किसके बारे में भाई, कंटिन्यूटी के बारे में कि कंटिन्यूटी क्या होती है, यानी कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट। यानी कंटिन्यूटी चेक करेंगे किसी फंक्शन की किसी पॉइंट के ऊपर, यानी कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट। इसके लिए कलर के लिए क्या होता है भाई, लेट ए फंक्शन एफ एक्स इज सैड टू बी कंटिन्यूस। लेट ए फंक्शन एफ एक्स इज सैड टू बी कंटिन्यूस एट ए पॉइंट। मान लिया हमने पॉइंट किया एट ए पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए। हमने एक्स इज इक्वल टू ए कोई पॉइंट मान लिया जिसके ऊपर ये हमारा फंक्शन जो एक्स का है वो क्या है, कंटिन्यूस है। कब कंटिन्यूस है भाई, इफ कंडीशन फर्स्ट क्या हमारी, एफ ऑफ ए एग्जिस्ट। अगर फंक्शन के अंदर वैल्यू पर पुट करें और क्या है, एग्जिस्ट आए, यानी एफ ऑफ ए क्या है, फाइनाइट आए, डेफिनाइट आए और क्या है, रियल वैल्यू आए। क्लियर ना, इसका मतलब क्या होता है, दैट मीन्स इसका मतलब क्या है भाई, एफ ऑफ ए इज फाइनाइट डेफिनाइट एंड रियल वैल्यू। क्या होनी चाहिए, फाइनाइट डेफिनाइट एंड रियल वैल्यू, पहली बात तो ये। सेकेंड वन जो थिंग है वो क्या है, लिमिट एक्सटेंस टू ए। अगर हम उसके अंदर लिमिट पुट करें, लिमिट एक्सटेंस टू ए एफ ऑफ एक्स शुड बी क्या होनी चाहिए, एग्जिस्ट होनी चाहिए। अब लिमिट एक्सटेंस टू एफ एक्स एग्जिस्ट कैसे करेगी, हमें पता है दो टाइप की लिमिट होती हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और एक क्या होती है, राइट हैंड लिमिट। दोनों क्या होनी चाहिए, आपस में इक्वल होनी चाहिए। क्लियर भाई। और थर्ड पॉइंट क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू ए अगर हम एफ एक्स के अंदर पुट करें तो वैल्यू क्या है, एफ ऑफ ए। अगर ये तीनों कंडीशन अगर हमारी फॉलो होती हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, अगर ये तीनों कंडीशन कोई फंक्शन फॉलो करता है दैट मीन्स फंक्शन इज कंटिन्यूस, अदरवाइज फंक्शन क्या होता है भाई, डिसकंटिन्यूस है। क्लियर ना। अब आपको बताते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट होती क्या है। मान लीजिए हमें किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है, क्लियर ना, हमारे पास क्या फंक्शन है भाई, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स हमें चेक करना है एट एक्स इज इक्वल टू ए। क्लियर ना। तो हमें पता है अगर मैं मानूँ ये पॉइंट मेरा क्या है भाई, ये कोई लाइन है मेरी एक्स एक्स डैस, क्लियर भाई, ये मेरा पॉइंट है जहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, ए। एक बार मैं इसके चलूँ इसके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ और एक बार कहाँ चलूँगा अभी मैं इसके राइट हैंड साइड की तरफ। जब लेफ्ट में चलूँगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट में चलूँगा तो राइट हैंड लिमिट। अगर मैं लेफ्ट में वैल्यू चल रहा हूँ तो ए की वैल्यू क्या हो रही है, नेगेटिव, और राइट में ए की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। यानी अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लेके चलूँगा तो लिमिट क्या रहेगी मेरी, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव रहेगी। क्या रहेगी, एक्स टेंड्स टू, इसको जो ये आपका एरो का सिंबल होता है इसको क्या बोलते हैं, टेंड्स टू। क्या बोलते हैं भाई, टेंड्स टू, दिस इज नोन एज द टेंड्स टू। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव हमारे पास क्या था भाई, फंक्शन एफ एक्स है। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, पुट करते हैं हमारा एक्स को क्या मान लेते हैं, ए नेगेटिव है तो ए माइनस एच, एच कोई भी स्मॉल वैल्यू हो, और एच टेंड्स टू इसका मतलब क्या है, टेंड्स टू, एच टेंड्स टू क्या है, जीरो। पुट कर दीजिए इसके अंदर ये लिमिट, जहाँ पे एक्स है ए टेंड्स टू है वहाँ लिमिट क्या हो जाएगी, एच टेंड्स टू जीरो, और एफ एक्स की बजाय क्या हो जाएगा, ए माइनस एच। क्लियर, लिमिट को चेंज कर दो इससे और एक्स की वैल्यू को चेंज कर दो इससे, ये क्या भी हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर हमारे पास राइट हैंड लिमिट होती, राइट हैंड लिमिट में क्या होता है, वैल्यू पॉजिटिव होती तो एक्स ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, यहाँ क्या पुट करते हैं, पुट एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच और एच टेंड्स टू जीरो, तो हमारे पास क्या होती है भाई, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो और एक्स की जगह क्या रखते हैं, ए प्लस एच। क्लियर। और एक होती है हमारी वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन जिसको हम डायरेक्ट पुट करते हैं, अगर हम पुट करते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू ए
एफ ऑफ एक्स वो क्या आता है हमारा एफ ए। यानी अगर हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, क्या बोलते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो फंक्शन क्या होता है कंटिन्यूस, तो फंक्शन क्या होगा भाई कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज हर केस में फंक्शन क्या कहलाएगा आपका डिसकंटिन्यूस, क्लियर ना। तो कंटिन्यूटी की मतलब कंडीशन क्या होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन, अदरवाइज अगर ये नहीं होता अदरवाइज फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस इन नेचर, डिसकंटिन्यूस फंक्शन क्या है हमारा डिसकंटिन्यूस, क्लियर ना। तो फंक्शन आपका क्या है भाई डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, क्लियर भाई। तो ये पता चला हमें कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन के बारे में। चलिए अब इसके ऊपर कुछ इसके एल्जेब्रिक वैल्यू पढ़ते हैं, क्लियर ना। चलिए स्टार्ट करते हैं एल्जेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शंस, यानी कुछ फॉर्मूले जो हम यूज करेंगे। एल्जेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शंस, एल्जेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शंस क्या होता है इस केस में, इफ दो फंक्शन मान लिए मैंने एफ एंड जी, दो फंक्शन ले लिए, वो दोनों क्या हैं कंटिन्यूस हैं एट एक्स इज इक्वल टू ए पे, एक्स इज इक्वल टू ए पे। तो अगर आपके दो फंक्शन मान लिए आपको एफ और जी दोनों एक्स के फंक्शन है, एफ भी एक्स का फंक्शन है जी भी एक्स का फंक्शन है और दोनों के दोनों कंटिन्यूस हैं एट एक्स इज इक्वल टू ए, तो क्या क्या होगा भाई तब, तो उस टाइम पे एफ प्लस जी इज आल्सो कंटिन्यूस, ये भी क्या होगा कंटिन्यूस होगा एट एक्स इज इक्वल टू ए। अगर एफ और जी दोनों फंक्शन एक्स के हैं जो कंटिन्यूस है एक्स इज इक्वल टू ए, तो एफ प्लस जी भी कंटिन्यूस होगा, क्लियर। दूसरा पॉइंट क्या होगा, एफ माइनस जी इज आल्सो कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए। तीसरा पॉइंट क्या होगा, अगर किसी फंक्शन को आप किसी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो सी डॉट में एफ, तो इट इज आल्सो कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए, और सी क्या है सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, सी बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। कंडीशन नंबर फोर्थ, इन दोनों फंक्शन की प्रोडक्ट एफ डॉट जी इज आल्सो कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए। फिफ्थ कंडीशन, एफ बाई जी इज आल्सो कंटिन्यूस, बट याद रखना जी ऑफ ए कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो, यानी जी फंक्शन की वैल्यू जो पॉइंट में पुट करोगे तो उसकी वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, क्लियर भाई। नेक्स्ट वन पॉइंट, नेक्स्ट वन थ्योरम क्या है भाई इसके अंदर, इसने बताया फिर वही इफ एफ एंड जी इज सॉरी आर हमारे क्या हैं रियल फंक्शंस हैं सच दैट एफ ओ जी, अगर फोक क्या हमारा उनके ऊपर डिफाइंड है, एंड एफ एन जी आर क्या हमारे कंटिन्यूस फंक्शन भी हैं एट एक्स इज इक्वल टू ए। दोबारा ध्यान दें, एफ और जी दोनों दोनों रियल फंक्शंस हैं आपके, और एफ ओ जी एक कंपोजिट फंक्शन होता है एफ ओ जी, जिसको फोक बोलते हैं एफ ऑफ जी फोक इज डिफाइंड है, एफ और जी दोनों कंटिन्यूस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ए, क्लियर ना। एट दैट टाइम एफ ओ जी इज आल्सो कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए, तो एफ ओ जी भी क्या होगा हमारा कंटिन्यूस। और ये जो एफ ओ जी होते हैं ना, ये चार फंक्शन होते हैं एफ ओ जी जी ओ एफ एफ ओ एफ और जी ओ जी, इनको बोलते हैं कंपोजिशन फंक्शन, क्या बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, या क्या बोल देते हैं कंपोजिशन फंक्शन, क्लियर भाई। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये क्या होते हैं हमारे कंपोजिशन फंक्शन। तो सिंपल सी बात है भाई, एफ और जी कंटिन्यूस हैं एट एक्स इज इक्वल टू ए, तो एफ ओ जी भी क्या होगा कंटिन्यूस मिलेगा आपको एट एक्स इज इक्वल टू ए, क्लियर। तो सिंपली हमें इनके अंदर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ती है चेक करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज, ये हमारा बेसिक कंसेप्ट था एक्सरसाइज 6.1 का। चलिए आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 6.1 बाई वाली क्वेश्चन नंबर
फर्स्ट पार्ट। हमारे पास क्या देखा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री एट एक्स इज इक्वल टू वन। चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शंस एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स, यानी इंडिकेटेड पॉइंट के ऊपर फंक्शन की कंटिन्यूसी चेक करनी है कि ये कंटिन्यूस है या नहीं है। चलिए भाई, यानी अगर एक्स की वैल्यू कितनी है भाई, हमारी एक्स की वैल्यू कितनी है वन, तो एक्स की जगह वन रखेंगे, टू क्रॉस वन प्लस थ्री, दो और तीन पाँच भाई, चलिए ना, ये तो वैल्यू आ गई फंक्शन की। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, मान लिया लेफ्ट हैंड लिमिट होगी तो क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू वन नेगेटिव, और फंक्शन क्या हुई हमारे पास, टू एक्स प्लस थ्री। लेफ्ट में वैल्यू नेगेटिव पुट करनी है, राइट में पॉजिटिव पुट कर दीजिए। अब इसको पुट एक्स इज इक्वल टू वन माइनस एच और एच टेंस टू जीरो। चलिए स्टार्ट करते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो और जहाँ एक्स हम आके रखते हैं एच रखते हैं। अब हमारे पास एच की वैल्यू कितनी है, जीरो पुट कर दीजिए इसमें, दो वन घटा जीरो जमा थ्री, तो दो एक कम दो जमा तीन, दो और तीन कितना है भाई पाँच, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई पाँच। ऐसे क्या निकालनी है भाई, राइट हैंड लिमिट। चलिए स्टार्ट करते हैं, राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू वन पॉजिटिव, एफ एक्स क्या भाई हमारा टू एक्स प्लस थ्री, पुट क्या करेंगे एक्स इज इक्वल टू वन प्लस एच और एच टेंस टू जीरो। क्लियर भाई, चलिए पुट करते हैं, लिमिट एच टेंस टू क्या भाई हमारी जीरो, टू एक्स की जगह रखा जाए वन प्लस एच प्लस थ्री। अब एच की जगह क्या रखना है भाई, जीरो वैल्यू, तो टू वन प्लस जीरो प्लस थ्री, दो एक कम दो, दो और तीन, दो और तीन कितना आया भाई हमारे पास पाँच आया, दो और तीन कितना आया पाँच। तो हमने क्या चेक आउट किया भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट किसी बराबर आई, राइट हैंड लिमिट किसी बराबर आई, वैल्यू ऑफ फंक्शन, फंक्शन वैल्यू कितनी थी वन, जब हमने एक्स की जगह रखा वन, इक्वल आई तो फंक्शन क्या हो जाएगा मेरा, कंटिन्यूस हो जाएगा एट एक्स इज इक्वल टू वन। एक्स इज इक्वल टू वन पे फंक्शन हमारा क्या भाई, कंटिन्यूस है। क्लियर, चलिए अगला पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट नंबर टू। हमारे पास फंक्शन क्या दे रखा है भाई, एफ एक्स फंक्शन दे रखा है हमारे पास पाँच एक्स माइनस थ्री, और इसको हमने चेक करना है एट एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री एंड एक्स इज इक्वल टू फाइव। चलिए पहले पार्ट पे चेक करते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री पे पुट कीजिए, पंतीय पंद्रह और तीन अठारह। चलिए अब लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट लेफ्ट में क्या होगी नेगेटिव, फंक्शन क्या है पाँच एक्स माइनस तीन, पुट क्या करना है एक्स इज इक्वल टू माइनस तीन माइनस का एच और एच टेंस टू जीरो, पुट कीजिए लिमिट एच टेंस टू जीरो पाँच एक्स की जगह माइनस तीन माइनस एच माइनस तीन, एच की वैल्यू जीरो पुट कीजिए पाँच माइनस तीन माइनस तीन पानती है पंद्रह और तीन अठारह माइनस का अठारह भाई। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू माइनस थ्री पॉजिटिव, पाँच एक्स माइनस का तीन, पुट क्या करेंगे भाई एक्स इज इक्वल टू माइनस तीन प्लस एच और एच टेंस टू जीरो। चलिए स्टार्ट करते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो पाँच माइनस तीन प्लस एच माइनस का तीन, पुट कर दीजिए एच की जगह जीरो रखेंगे पाँच माइनस तीन प्लस जीरो माइनस तीन, पानती है पंद्रह माइनस तीन, पंद्रह और तीन अठारह, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आई किसके भाई, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो फंक्शन क्या है कंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री। अब किस पे चेक करना है, एट एक्स इज इक्वल टू फाइव, तो डू इट योरसेल्फ, ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया, एट एक्स इज इक्वल टू फाइव। सिमिलरली वहीं पाँच पुट करना है, वैल्यू पुट करके वैल्यू फंक्शन निकालेंगे, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट फाइव नेगेटिव, राइट हैंड लिमिट फाइव पॉजिटिव, लेफ्ट में वैल्यू नेगेटिव पुट करनी है, राइट में वैल्यू पॉजिटिव पुट करनी है, बी रिमेंबर इट। क्लियर, ये हमारा था फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट नंबर टू कंप्लीट हुई। नाउ वी विल स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन
चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड भाई हमारा, क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट नहीं सा वो भी, प्रूव दैट फंक्शन एफ एक्स, हमारे पास फंक्शन दे रखा है भाई एफ एक्स, इस बार हमें प्रूव करना पहले ही कि इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू एन, कंटिन्यूस है एक्स इज इक्वल टू एन और एन बिलोंग्स टू द पॉजिटिव इंटीजर्स, तो जेड पॉजिटिव है, एन बिलोंग्स टू द पॉजिटिव इंटीजर, जेड पॉजिटिव कहता है पॉजिटिव इंटीजर, जेड इज द सिंबल ऑफ इंटीजर, आई भी सिंबल होता है इंटीजर का, आप जेड पॉजिटिव बोल दो या क्या बोल दो इसको आप आई पॉजिटिव, एज यू विश, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, हमारे पास फंक्शन क्या है एफ एक्स, एक्स की वैल्यू एन है, एट एक्स इज इक्वल टू एन पे हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो पहले एक्स की जगह रखेंगे भाई एन, तो एन की पावर एन आई भाई, चलिए ये हमारे पास क्या है एन की पावर एन, वैल्यू ऑफ फंक्शन, इसको क्या बोलते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू एन नेगेटिव, फंक्शन क्या है भाई हमारा एक्स की एन, तो पुट क्या करना है एक्स इज इक्वल टू एन माइनस एच, लेफ्ट में नेगेटिव, एच टेंस टू जीरो, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो भाई, एक्स की जगह रखना है एन माइनस का एच की पावर एन, एच की जगह रखना है जीरो भाई, एन माइनस जीरो की पावर एन, तो वैल्यू कितनी आई एन की पावर एन भाई, एन की पावर कितनी है भाई हमारी एन। नाउ राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू एन पॉजिटिव एक्स की पावर एन, यहाँ क्या पुट करना पुट एक्स इज इक्वल टू एन प्लस एच और एच टेंस टू जीरो भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो एक्स की जगह एन प्लस एच पूरे की पावर एन, तो एन प्लस एच की वैल्यू जीरो पावर एन, एन की पावर एन, दैट मीन्स लेफ्ट एंड लिमिट इज इक्वल टू राइट एंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो फंक्शन क्या है भाई कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू एन भाई, फंक्शन क्या है भाई हमारा कंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू एन। सेकेंड क्वेश्चन प्रूव हो गया भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट नहीं, हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है एग्जामिन द कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू टू इफ एफ एक्स, हमारे पास एफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वेयर माइनस फोर बाई एक्स माइनस टू एट एक्स इज नॉट इक्वल टू टू है और जीरो है एट एक्स इज इक्वल टू क्या है भाई टू है। चलिए कंटिन्यूटी चेक करनी है एट एक्स इज इक्वल टू टू पे भाई, चेक करते हैं भाई, पहले क्या पुट करना वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन क्योंकि एक्स की वैल्यू दो है और एक्स की वैल्यू दो पे फंक्शन वैल्यू कितनी है भाई जीरो, निकालनी जरूरत नहीं पहले ही गिवन दे रखी है हमें, तो कंटिन्यूटी चेक करनी है लेफ्ट हैंड लिमिट। चलिए स्टार्ट करते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू टू नेगेटिव, अब दो इक्वल नहीं है तो एक्स टू नेगेटिव के लिए भी यही लिया जाएगा और टू पॉजिटिव के लिए भी यही लिया जाएगा, रीजन है एक्स इज नॉट इक्वल टू टू, एक्स दो के बराबर नहीं है तो दो से छोटा भी हो सकता है और दो से बड़ा भी हो सकता है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी वैल्यू यही रहेगी, राइट हैंड के लिए भी वैल्यू क्या रहेगी यही, बिकॉज एक्स इज नॉट इक्वल टू टू और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू टू वैल्यू क्या रहेगी जीरो, तो लिमिट एक्स टेंस टू टू नेगेटिव तो वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस टू, बिकॉज एक्स इज नॉट इक्वल टू टू है तो टू नेगेटिव और टू पॉजिटिव दोनों के लिए वैल्यू क्या रहेगी सेम। चलिए पुट करते हैं फिर इसमें, पुट एक्स इज इक्वल टू टू माइनस एच एंड एच टेंस टू जीरो, चलिए पुट करते हैं इसमें, लिमिट एच से क्या हो जाएगी एच टेंस टू जीरो, एक्स की जगह टू माइनस एच का स्क्वायर माइनस फोर डिवाइड बाई टू माइनस एच माइनस टू, एच की वैल्यू क्या रखनी भाई जीरो, तो टू माइनस जीरो का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे क्या होगा भाई, चलिए इस वैल्यू को बाद में रखते हैं एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं, हमारा सोल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास इसके अंदर, अगर इसको खोल लेते हैं पहले इसको टू माइनस एच को हमने पुट किया एच टेंस टू जीरो, यहाँ पे भी खोल सकते हो आप, ये कितना स्क्वायर है दो का स्क्वायर, दो नीचे चार, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, आप यहाँ भी खोल सकते हो, आप इसको यहाँ भी खोल सकते हो, ये क्या एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या है दो का स्क्वायर दो नीचे चार, तो एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू ऐसे भी खोल सकते हो और पुट करने के बाद भी खोल सकते हो, क्लियर ना। चलिए हम पुट करने से पहले खोल लेते हैं, थोड़ा लेंथ ही नहीं होगा, इसको पुट करने से पहले खोल ही लेते हैं, हमारे पास ऊपर क्या भाई बाद में पुट करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू टू नेगेटिव, हमारे पास हमने इसको खोल लिया है, ये क्या भाई एक्स का स्क्वायर माइनस ये किसका है टू का स्क्वायर, नीचे क्या भाई हमारे पास एक्स माइनस टू, चलिए इसको खोलते हैं,
लिमिट एक्स टेंस टू टू नेगेटिव, ऊपर क्या आएगा भाई एक्स माइनस टू, एक्स प्लस टू, नीचे क्या आया एक्स माइनस टू, दोनों कैंसिल आउट, क्या बचा एक्स प्लस टू। अब यहाँ पुट कर दो x की वैल्यू टू माइनस एच और x टेंस टू जीरो। अब लिमिट चेंज कर लेंगे हम, चलिए पहले इसको उस तरफ लिख लेते हैं, लिमिट x टेंस टू नेगेटिव है भाई, हमारे पास क्या आया लिमिट x टेंस टू टू नेगेटिव x प्लस टू। अब पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू टू माइनस एच और x टेंस टू जीरो, तो लिमिट x टेंस टू जीरो, x की जगह रखना क्या है भाई हमें टू माइनस एच प्लस का टू, टू से टू कैंसिल आउट, एच की वैल्यू जीरो, माइनस जीरो भी क्या रहेगा जीरो। अब ऐसे ही क्या लेनी है राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू टू पॉजिटिव, राइट हैंड के लिए वैल्यू यहीं रहेगी क्योंकि पहले दे रखा है एक्स इज नॉट इक्वल टू टू है, क्योंकि एक्स इज नॉट इक्वल टू टू, तो ग्रेटर देन टू भी यहीं और लेस देन टू भी यहीं, इन पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, यानी लेफ्ट भी राइट भी, वैल्यू फंक्शन क्या रहेगी सेम। चलिए इसको फिर तोड़ देते हैं, लिमिट x टेंस टू टू पॉजिटिव, ऊपर वाला पार्ट क्या है x का स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर, नीचे क्या भाई x माइनस टू। चलिए इसको खोलते हैं, लिमिट x टेंस टू टू पॉजिटिव, x माइनस टू, x प्लस टू, नीचे क्या भाई हमारे पास x माइनस टू, वैल्यू क्या बची भाई हमारे पास ऊपर लिमिट x टेंस टू टू पॉजिटिव x प्लस टू। पुट कर दीजिए x की वैल्यू टू प्लस एच, एच टेंस टू जीरो, चलिए पुट करते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एक्स की जगह टू प्लस एच प्लस का टू, अगर एच की वैल्यू जीरो रखेंगे तो टू प्लस जीरो प्लस टू, दो और दो चार, हुए वैल्यू कितनी है भाई वैल्यू दो और दो चार, और ऊपर वैल्यू क्या आती भाई हमारी, सॉरी ऊपर वैल्यू निकलती निकाल दी थी, दो और दो दोनों क्या है प्लस के हैं, दो और दो दोनों प्लस के हैं, तो दो और दो चार, सॉरी भाई दो और दो चार, चार माइनस जीरो क्या आएगा चार आएगा, चार और चार, यानी हमने यहाँ पे चेकआउट क्या किया भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बट इट इज़ नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, लिमिट क्या थी भाई हमारे पास टू, तो फंक्शन क्या जाएगा भाई डिसकंटिन्यूस, चेक योर आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फंक्शन क्या भाई हमारा डिसकंटिन्यूस है, क्या भाई हमारा डिसकंटिन्यूस, क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस, बिल्कुल सही है भाई, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल है लेकिन वैल्यू फंक्शन इक्वल नहीं है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा भाई हमारा डिसकंटिन्यूस। क्लियर भाई, यहाँ पे छोटी सी गलती हो गई थी, ध्यान दे लेना बच्चों इस पर, यहाँ पे टू से टू हमने काट दिया, बल्कि साइन क्या थे दोनों के सेम, ध्यान नहीं दिया हमने, दो और दो कितना होगा भाई चार, और एच की वैल्यू जीरो, चार माइनस जीरो क्या आएगा चार, और ये भी कितना है भाई हमारा दूसरी वैल्यू भी कितनी है चार, लेकिन वैल्यू तो फंक्शन क्या दे रखी थी गिवन क्वेश्चन में जीरो, वैल्यू तो फंक्शन क्या थी जीरो, तो ये वैल्यू चार आई, ये वैल्यू चार आई, लेकिन ये वैल्यू क्या है जीरो, तो ये आपस में इक्वल नहीं है, कह ना चार तो चार के बराबर है बट ये जीरो इक्वल नहीं है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बट नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू फंक्शन के बराबर नहीं है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा भाई हमारा डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू टू, किस पे भाई एट एक्स इज इक्वल टू टू पे, ये भाई हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड था। चले नेक्स्ट वन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ, चेक करनी है हमें डिस्कस द कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू थ्री, इस बार थ्री पे चेक करनी है, एफ एक्स क्या दे रखा भाई हमें गिवन एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस सिक्स डिवाइड बाई क्या भाई एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स माइनस थ्री, और एक्स इज नॉट इक्वल टू थ्री, यानी पहले ही दे रखा कि एक्स तीन के बराबर नहीं है, तो यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के लिए वैल्यू फंक्शन क्या रहेगी यहीं रहेगी, और एट एक्स इज इक्वल टू थ्री वैल्यू कितनी है फाइव बाई थ्री, यानी वैल्यू फंक्शन क्या हमारी गिवन दे रखी। चलिए पहले क्या निकालनी है वैल्यू फंक्शन, किस पे निकालनी है एट एक्स इज इक्वल टू थ्री पे, तो x की वैल्यू तीन कितनी होती है पाँच बटे तीन, पहले से दे रखी है वैल्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं है पुट करने की, कहिए ना कितनी है पाँच बटे तीन गिवन है। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, लेफ्ट हैंड वैल्यू क्या रहेगी x थ्री, एक्स थ्री नेगेटिव रहेगा, x टेंस टू थ्री नेगेटिव, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस सिक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स माइनस थ्री, क्लियर भाई। चलिए पहले इसकी फैक्टर बनाते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू थ्री नेगेटिव,
इसके फैक्टर क्या होंगे, 6 है, 3 और 2 6, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। नीचे लेके 3 है भाई, 3 में से 2 गया 1 और 3 एक कम 3, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव, x कॉमन x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन x माइनस 3। नीचे क्या आएगा, x कॉमन x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन x माइनस 3। तो ऊपर से फैक्टर क्या है भाई, लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव, x माइनस 3 x प्लस 2। नीचे क्या है भाई, x माइनस 3 x प्लस 1। ठीक है भाई, हो गया छोटा क्वेश्चन हमारा। लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव, x प्लस 2 x प्लस 1। पुट कर दीजिए, x इज इक्वल टू 3 माइनस h और h टेंस टू 0। बस सिंपल सी बात है, पुट करना। अब चलिए पुट करते हैं, लिमिट क्या पुट करी भाई, h टेंस टू 0, जहाँ x क्या है वहाँ पर रखना 3 माइनस h प्लस 2 और नीचे 3 माइनस h प्लस 1। ऊपर कितना आएगा भाई, 3 और 2 5 घटा का h, नीचे 3 और 1 4 ना, 3 और 1 4 घटा का h, तो h की वैल्यू कितनी है 0। तो पुट कर दीजिए यहाँ पे, यानी 5 घटा 0 और नीचे क्या आएगा 4 घटा 0, तो वैल्यू कितनी है 5 बाई 4। अब राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है आपको, कि ये 5/4 है और गिवन वैल्यू कितनी है फंक्शन की 5/3। आप यहीं पे भी कह सकते हो कि फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस। फंक्शन क्या आएगा भाई, डिसकंटिन्यूस, बिल्कुल सही बात है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली उन्हें 5/4 और वैल्यू फंक्शन कितनी 5/3। आप यहाँ पे भी कह सकते हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, राइट हैंड लिमिट निकालने की कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे भी कह सकते हो फंक्शन क्या अभी हमारा डिसकंटिन्यूस आ चुका है, फंक्शन क्या अभी हमारा डिसकंटिन्यूस। क्लियर ये बात, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन, राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर भाई। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th, फोर्थ हमारा ये हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ एफ एक्स साइन 2x बाई साइन 3x एट x इज नॉट इक्वल टू 0 दे रखा भाई, और टू वैल्यू दे रखी है जब एट x क्या है 0 है। फाइंड वेदर फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0 और नॉट, हमें फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। चलिए पहले वैल्यू तो फंक्शन निकालनी होती है, तो जब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे, वैल्यू पहले दे रखी कितनी भाई 2, निकालने की जरूरत नहीं है। निकालिए लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी भाई हमारी, लिमिट x टेंस टू 0 है तो 0 नेगेटिव, और फंक्शन क्या है भाई साइन 2x बाई साइन 3x। पुट कीजिए डायरेक्ट, x इज इक्वल टू 0 माइनस h पुट करना पड़ेगा आपको, 0 माइनस h और h क्या रहेगा, h टेंस टू 0, तो पुट कीजिए, लिमिट क्या चेंज हो जाएंगी भाई, h टेंस टू 0 जहाँ पे साइन 2x वहाँ क्या हो जाएगा 0 माइनस h, और नीचे क्या हो जाएगा साइन 3 0 माइनस h। क्लियर, तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर से कितना आया माइनस है, तो माइनस क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा साइन के अंदर, माइनस साइन 2h, यहाँ पे माइनस साइन 3h, माइनस है माइनस कैंसिल। चलिए इसको आगे सोल्व करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 साइन 2h और इस साइन 3h को अलग से लिख लेते हैं साइन 3h, h से इसको डिवाइड, h से इसको डिवाइड, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि h ऊपर जाएगा तो कट जाएगा, यहाँ पे दो दो से डिवाइड, दो से मल्टीप्लाई, तीन है तीन से डिवाइड, तीन से मल्टीप्लाई। अब हमें बताया लिमिट अगर ये हो तो ये वैल्यू भी क्या होती है वन, ये वैल्यू भी क्या होती है वन, क्योंकि हम फार्मूला पढ़ चुके हैं इलेवंथ के अंदर, लिमिट एक्स टेंस टू अगर जीरो हो साइन जो भी आपका एंगल हो और वही चीज़ बटे में हो तो वैल्यू कितनी होती है वन, साइन एक्स बटे एक्स कितना होता है वन, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी वन क्रॉस टू बाई थ्री, निचली वैल्यू कितनी हो जाएगी वन, तो वैल्यू कितनी आएगी भाई टू बाई थ्री, लेकिन वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितनी गिवन हमें, वैल्यू तो फंक्शन कितनी है दो, तो ये वैल्यू इक्वल नहीं है, तो फंक्शन अगेन क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूस, बिल्कुल सही है भाई। राइट हैंड लिमिट हमें निकालने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट पहले आ चुकी है, इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन, क्लियर, क्योंकि ये 2/3 आ रही है और वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी दे रखी है इन्होंने 2 दे रखी है, तो फंक्शन यहीं पर हो जाएगा क्या हो जाएगा भाई
डिसकंटिन्यूस, नो नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ राइट एंड लिमिट। क्लियर भाई? चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स पार्ट नंबर फर्स्ट भाई, चेक आउट द कंटिन्यूटी ऑफ द ऑल ऑफ दिस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, यानी एक्स की वैल्यू जीरो पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है फंक्शंस की। चलिए एफ एक्स क्या दे रखा भाई हमें, वन माइनस का कोस फोर एक्स डिवाइड बाई क्या है भाई एक्स स्क्वेयर एट एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, और वैल्यू एट है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, यानी वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितनी है आठ है और नॉट इक्वल टू जीरो पे ये है। नॉट इक्वल टू जीरो मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी यही है और राइट हैंड लिमिट भी क्या हमारी यही है। चलिए करते हैं भाई, पहले वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ जीरो कितनी हमारे पास पहले दे रखी है, एफ जीरो कितना भाई आठ है। अब निकालनी क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। चलिए उस तरफ निकालते हैं, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या थी भाई हमारी, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव, फंक्शन क्या है भाई हमारा वन माइनस कोस फोर एक्स बाई एक्स स्क्वायर है। क्लियर भाई, वन माइनस का कोस फोर एक्स बाई एक्स स्क्वायर। चलिए ऊपर वाले पार्ट को पहले तोड़ लेते हैं, फॉर्मूले का यूज करेंगे बाद में वैल्यू पुट करेंगे। वन माइनस कोस फोर एक्स क्या होता है, टू साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, फोर एक्स का कितना हो जाएगा टू एक्स बटे में क्या भाई एक्स स्क्वायर। चलिए पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू जीरो माइनस एच और h टेंड्स टू जीरो। चलिए पुट करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू जीरो टू साइन स्क्वेयर टू जीरो माइनस एच, नीचे जीरो माइनस एच का स्क्वेयर, लिमिट क्या हुई हमारी h टेंड्स टू जीरो टू स्क्वेयर है तो नेगेटिव वैल्यू भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि माइनस का चाहेगा लेकिन ऊपर क्या है स्क्वेयर, तो क्या रह जाएगा साइन स्क्वेयर टू एच और नीचे क्या रहेगा एच का स्क्वेयर। चलिए इसको तोड़ते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो टू, ये क्या हुआ हमारे पास साइन टू एच और नीचे क्या एच पूरे का स्क्वेयर है, यहाँ पे दो है तो हमें यहाँ पे भी क्या चाहिए दो, कलियर ना, तभी तो ये एक वैल्यू आएगी क्योंकि जो साइन का एंगल होना चाहिए वो अपनी तरफ से मैंने अपनी तरफ से लगाया दो, यानी ये दो अंदर नहीं था हमने अपनी तरफ से लगाया दो, तो बाहर कितना आएगा दो दूनी चार, यानी चार से डिवाइड किया तो चार से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी चार दूनी आठ और ये कितना हो जाएगा एक क्योंकि लिमिट क्या है जीरो, तो एक का स्क्वायर कितना होता है एक, तो आठ एकम आठ, तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो इक्वल है इसके, अब राइट हैंड लिमिट भी चेक करनी पड़ेगी। चलिए क्योंकि कंटिन्यूटी में चेक करनी पड़ेगी, डिसकंटिन्यूटी में कोई जरूरत नहीं है, अब कंटिन्यूटी के लिए हमें क्या चाहिए राइट हैंड लिमिट आल्सो, तो राइट हैंड लिमिट में लिमिट एक्सटेंड टू जीरो पॉजिटिव और लेफ्ट में वैल्यू नेगेटिव राइट में वैल्यू पॉजिटिव, तो लिमिट एक्सटेंड टू जीरो पॉजिटिव। चलिए वन माइनस का कोस फोर एक्स बाई क्या है फिर से वही एक्स के, फंक्शन को तोड़ेंगे भाई, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव, वन माइनस कोस फोर एक्स क्या होता है टू साइन स्क्वेयर टू एक्स, नीचे क्या भाई एक्स के, अब वैल्यू पुट करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो प्लस एच और एच टेंड्स टू जीरो, तो चलिए लिमिट चेंज करते हैं भाई, लिमिट हमारी क्या आई, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो टू साइन स्क्वेयर टू जीरो प्लस एच, एक्स क्या है जीरो प्लस एच होल स्क्वेयर। क्लियर ना? चलिए इसको सोल्व करते हैं भाई आगे, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो टू साइन स्क्वेयर है भाई टू एच, नीचे क्या है एच स्क्वेयर, चलिए इसका स्क्वेयर कर लेते हैं, ये क्या है लिमिट एच टेंड्स टू जीरो टू साइन टू एच बाई एच पूरे का क्या है होल स्क्वेयर, फिर से वही यहाँ दो है तो हमें क्या चाहिएगा दो, तो दो दूनी चार, चार से डिवाइड तो चार से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो वैल्यू कितनी आएगी चार दूनी आठ क्रॉस अंदर कितना आया वन वन का स्क्वेयर आठ एकम आठ, यानी लेफ्ट एंड लिमिट यहाँ पे क्या आया लेफ्ट एंड लिमिट इज इक्वल टू राइट एंड लिमिट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन, सारी वैल्यू क्या आई हमारी आठ आई, तो फंक्शन क्या आया हमारा कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये था भाई हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स पार्ट नंबर फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स पार्ट नंबर टू। क्वेश्चन नंबर सिक्स का पार्ट क्या करना भाई हमें,
सेकंड पार्ट करना है। अब वैल्यू क्या है हमारे पास, एफ एक्स साइन एक्स बाई एक्स है। चेक करते हैं सूत्र क्या है, सिक्स का फर्स्ट क्या अभी हमारा कंटिन्यूस है। चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स पार्ट नंबर टू। क्वेश्चन नंबर सिक्स पार्ट नंबर टू भाई, सिक्स क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं। हमारे पास दे क्या रखा भाई, एफ एक्स फिर से वही है साइन एक्स बाई एक्स एट एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो है, तो यानी लेफ्ट हैंड के लिए वैल्यू यही और राइट हैंड के लिए भी वैल्यू यही, सॉरी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो नहीं है, क्या देखा एक्स इज लेस देन जीरो, बाई मिस्टेक भाई एट एक्स इज लेस देन जीरो, लेस देन जीरो का मतलब क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट, और नीचे क्या दे रखा भाई x प्लस वन एट x क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल टू जीरो होती है, ग्रेटर क्या होती है राइट हैंड लिमिट, यानी ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, ये राइट हैंड और वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए। चलिए किस पे चेक करनी है हमें कंटिन्यूटी, एट x इज इक्वल टू जीरो पे। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई एट x इज इक्वल टू जीरो पे इसकी कंटिन्यूटी। तो पहले f जीरो, जीरो कितना हुआ x प्लस वन, तो जीरो प्लस वन क्योंकि x की जगह क्या है जीरो, तो जीरो प्लस वन कितना आएगा वन, वैल्यू फंक्शन कितनी आएगी हमारे पास वन। अब लेफ्ट हैंड लिमिट यानी लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, नेगेटिव जीरो नेगेटिव एन जीरो से कम है तो ऊपरला फंक्शन साइन एक्स बाई एक्स पुट कर दीजिए, एक्स को जीरो माइनस एच और एच टेंस टू जीरो। चलिए स्टार्ट करते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो है भाई हमारे पास, और जहाँ पे एक्स है वहाँ पे क्या टिकेगा जीरो माइनस एच, जीरो माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो बाहर आ जाएगा माइनस माइनस साइन एच, माइनस का एच माइनस है माइनस, लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच बाई एच कितना होता है वन होता है, बता चुका हूँ भाई ये इलेवंथ के अंदर हम पढ़ते थे कंटिन्यूटी के अंदर ये फॉर्मूला होता था लिमिट्स का, लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच बाई एच कितना होता है वन, यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन भी वन थी और लेफ्ट हैंड लिमिट भी। अब क्या कैलकुलेट करनी है राइट हैंड लिमिट। चलिए लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव कितनी होती है एक्स प्लस वन, पुट कीजिए एक्स जीरो प्लस एच, एच को क्या मानेंगे टेंस टू जीरो। चलिए चेंज करते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो जीरो प्लस एच प्लस वन, तो एच की वैल्यू क्या है जीरो प्लस वन, कितनी आई वैल्यू वन, तो यानी हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, सारी वैल्यू क्या आई वन, तो फंक्शन क्या होगा भाई हमारा कंटिन्यूस हो जाएगा। सिक्स का सेकंड पार्ट भी क्या हुआ हमारा कंटिन्यूस, बिल्कुल सही आंसर है क्वेश्चन नंबर सिक्स पार्ट नंबर थर्ड। चलिए सिक्स का थर्ड पार्ट करते हैं भाई हमारा, एफ एक्स क्या भाई हमारे पास एक्स कोस वन बाई एक्स और एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो के लिए भाई, और जीरो है एक्स इज इक्वल टू जीरो, और इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे। हमें इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है, वैल्यू जब क्या दे रखी है हमारी एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे भाई, तो फिर से क्या करेंगे एक बार वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे, फिर क्या करना है भाई एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट पुट करनी है और एक बार राइट हैंड लिमिट पुट करनी है, और चेकआउट कर लेंगे एक्चुअल में वैल्यू क्या आती है फंक्शन की भाई हमारे पास। चलिए स्टार्ट करते हैं, एफ जीरो हमें वैल्यू दे रखी है जीरो की, जीरो वैल्यू कितनी है जीरो, गिवन वैल्यू फंक्शन कितनी है भाई जीरो, निकालनी क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी लिमिट एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव, और हमारे पास क्या है भाई एक्स कोस वन बाई एक्स, पुट क्या करना है एक्स को जीरो माइनस एच पुट करना है और एच को टेंड्स टू जीरो। चलिए पुट करते हैं, हमारे पास क्या था भाई लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एक्स को जीरो माइनस एच कोस वन बाई जीरो माइनस एच, क्लियर भाई, तो लिमिट क्या आती है भाई एच टेंस टू जीरो, जीरो माइनस एच कितना आएगा माइनस एच, और ये हमारा क्या आएगा कोस माइनस का वन बाई एच, क्लियर ना। अब हमें पता है याद रखना लिमिट एच टेंस टू जीरो है और कोस माइनस वन बाई एच वैल्यू क्या होती है डिफाइंड वैल्यू होती है, याद रखना जबकि क्या होती है कि
डिफाइंड वैल्यू, डिफाइंड करना होता है इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ क्या होती है, कुछ कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है, इट कंटेन सम कॉन्स्टेंट वैल्यू, क्लियर ना, वैल्यू क्या हमारी डिफाइंड है, तो इट कंटेन सम कॉन्स्टेंट वैल्यू। तो याद रखना हमेशा लिमिट एस टेंस टू जीरो कोस माइनस वन बाई एच, ये है सी ओ एस कोस माइनस वन बाई एच क्या होता है, डिफाइंड होता है, दैट मीन्स एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो मल्टीप्लाई कुछ ना कुछ क्या है हमारे पास, कॉन्स्टेंट वैल्यू है, तो जीरो कोस कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो। क्लियर भाई ये बात। चलिए राइट एंड वैल्यू निकालते हैं, राइट एंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव एक्स कोस वन बाई एक्स, फिर से वही पुट, क्या पुट करना भाई, एक्स इज इक्वल टू जीरो प्लस एच और एच टेंस टू जीरो, चलिए पुट करते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो, जीरो प्लस एच कोस वन जीरो प्लस एच, क्लियर, वैल्यू क्या आती है भाई, लिमिट एच टेंस टू जीरो एच कोस वन बाई एच, फिर से वही बात है, याद रखना लिमिट एच टेंस टू जीरो कोस वन बाई एच, अगेन क्या है भाई हमारा, डिफाइंड वैल्यू है, क्या है, डिफाइंड है, यानी इट कंटेन सम कॉन्स्टेंट वैल्यू, कुछ ना कुछ इसकी कॉन्स्टेंट वैल्यू है, बी रिमेंबर इट, ये वक्त फंक्शन है जिसकी वैल्यू आप निकालोगे कुछ ना कुछ डिफाइंड वैल्यू आएगी, और वो क्या होती है, कॉन्स्टेंट वैल्यू। अब लिमिट एच टेंस टू जीरो पुट करेंगे, जीरो क्रॉस इसकी वैल्यू क्या आएगी, कॉन्स्टेंट यानी कुछ डिफाइंड वैल्यू है, तो जीरो क्रॉस कॉन्स्टेंट क्या आएगा, जीरो, यानी लेफ्ट एंड लिमिट इज इक्वल टू राइट एंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, और वो सारी वैल्यू क्या रही है, जीरो। तो फंक्शन क्या है भाई हमारा, कंटिन्यूस फंक्शन, फंक्शन क्या आता है हमारा, कंटिन्यूस। तो इस बात को हमेशा माइंड में रखना है कि लिमिट एच टेंस टू जीरो कोस वन बाई एच कुछ ना कुछ क्या होती है, कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है, डिफाइंड वैल्यू होती है। चेक कीजिए आंसर, सिक्स का थर्ड पार्ट कंटिन्यूस भाई। नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स पार्ट नंबर फोर, चलिए स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर सिक्स का पार्ट नंबर फोर, लास्ट पार्ट भाई हमारा ये, एफ एक्स साइन एक्स का मोड बाई एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो और वन इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, चलिए निकालते हैं। हमारे पास वैल्यू फंक्शन तो है ही भाई, एफ जीरो कितना है, वन, इसको क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन जो हमारे पास गिवन है। अब पहले बता दूं मैं आपको, ये जो सिंबल जो होता है ये क्या होता है, मॉडुलस फंक्शन होता है, क्या होता है, मॉडुलस फंक्शन, और इसके अंदर चाहे नेगेटिव वैल्यू हो चाहे पॉजिटिव वैल्यू हो, वैल्यू जो बाहर आएगी वो हमेशा वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव वैल्यू, क्या रहेगी, पॉजिटिव वैल्यू, चाहे आप इसके अंदर नेगेटिव पुट करो चाहे पॉजिटिव, वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन बोलते हैं, क्लियर, यानी माइनस वन भी वन रहेगा और प्लस वन भी क्या रहेगा, वन ही रहेगा, क्लियर ना, ये इसके अंदर आपका क्या आएगा, डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। चलिए इसको सोल्व करते हैं वैल्यू पुट करके, इट इज नोन एज द मॉडुलस फंक्शन, क्या भाई हमारा ये, मॉडुलस फंक्शन। निकालते हैं भाई इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वन बाय वन, पहले भाई लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव, जीरो नेगेटिव भाई हमारा, साइन एक्स का मोड बाई एक्स पुट करेंगे भाई, एक्स को क्या पुट करेंगे, जीरो माइनस एच, एच को क्या मानेंगे, टेंस टू जीरो, चलिए पुट कीजिए, लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन जीरो माइनस एच का मोड जीरो माइनस एच, चलिए लिमिट एच टेंस टू जीरो बाहर क्या आएगा भाई, साइन माइनस एच का मोड माइनस एच, यानी इस चीज़ से वैल्यू बाहर क्या आएगी, लिमिट एच टेंस टू जीरो ये जो बाहर आएगा मोड के माइनस साइन एच, इसको हम क्या लिख देंगे, माइनस साइन एच बटे क्या होगा, माइनस का एच। अब ध्यान दीजिए, लिमिट एच टेंस टू जीरो ये माइनस बाहर आएगा तो क्या जाएगा, प्लस, तो ये वैल्यू क्या रहेगी, साइन एच, बाहर क्या है, एच माइनस का, तो साइन एच बटे एच कितना होता है, हमें पता है माइनस वन बाहर है, अंदर कितनी वैल्यू आई, वन, माइनस वन क्रॉस वन कितना है, माइनस का वन। तो आपको राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी पहले ही आ चुकी है माइनस वन, क्लियर ना, और वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी दे रखी थी, वन, फिर भी हम निकाल देते हैं कि राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट वैल्यू कैसे आएगी, लिमिट अब क्या आएगा भाई, एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव रहेगा, ऊपर क्या है, साइन एक्स का मोड है, नीचे क्या है, एक्स, अब पुट क्या करेंगे, जीरो प्लस एच और एच टेंस टू जीरो भाई,
एच टेंस टू क्या रहेगा हमारा, जीरो। चलिए लिमिट एच टेंस टू जीरो, साइन क्या भाई, जीरो प्लस एच का मोड, नीचे क्या भाई, जीरो प्लस एच, यानी हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच का मोड बाई एच, यानी लिमिट एच टेंस टू जीरो क्या हो जाएगा भाई, साइन एच बाई एच। और ये वैल्यू कितनी होती है भाई हमारी, वन होती है। तो हमने चेकआउट किया कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये इक्वल नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है, माइनस वन, और राइट हैंड लिमिट कितनी है, वन। और वैल्यू ऑफ फंक्शन जो हमने पुट करके निकाली थी, सॉरी जो दे रखी है, वो कितनी है, वन। क्लियर ना, तो ये वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो इसका मतलब फंक्शन क्या भाई हमारा, डिसकंटिन्यूस फंक्शन है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन नंबर सिक्स, पार्ट नंबर फोर, आवर आंसर इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर सेवंथ वी विल डू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। Thanks for watching my videos.